तो आज हम इस इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताने वाले हैं जो कि आप सबको बहुत जरूरी होता है, बहुत लोग को पता नहीं है। और आप लोग देखते हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया आप लोग चलाते हैं, ट्विटर लेके, तो उसमें क्या होता है कि किसी भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का ऊपर ब्लू टिक मार्क होते हैं। वो क्या होता है कि वेरीफाइड अकाउंट होता है। वो कैसे होते हैं, उसी फेक में अभी हम बात करने वाले हैं। जैसे कि बड़े बड़े इंस्टाग्राम में आप देख सकते हैं उसमें टिक मार्क होता है और हमारा में नहीं है, तो कैसे उसको रिक्वेस्ट करें, कैसे वो रिक्वेस्ट करना पड़ता है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, क्या है वो, मैं इस वीडियो पे पूरा मैं उसी फेक पे बात करने वाला हूं। जो इस वीडियो पे आप पूरा इन तक देखिएगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि क्या करना है, कैसे क्या होता है। और हम सब भी बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं कि वो ब्लू टिक मार्क को बहुत बड़े आदमी जैसा माना जाता है सोशल मीडिया में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वो उसका ओनली वेरीफाइड हो चुका है इसलिए उसको ब्लू टिक मार्क है। जो ब्लू टिक मार्क वाले आदमी होते हैं, प्रोफाइल होते हैं, उसको अकाउंट वेरीफाइड किया गया है, बस उसी के लिए उसको टिक मार्क किया जाता है। क्योंकि वो वेरीफाइड जो कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा मैं सभी इस वीडियो से अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले बता दूं कि मैं रंजन साहा हूं और आपको मेरा वीडियोस में वेलकम है। और आप नए हो तो हमारे वीडियोस में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक शेयर बहुत सारा प्यार दीजिएगा। हमें अच्छा लगता है आप लोग जब हमारे वीडियो देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भर देते हैं। तो इसी बात पे हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक पे। तो चलते हैं हम अपना मोबाइल स्क्रीन पे, जो कि आपको दिखा दे कि कैसे क्या होता है, जो कि ब्लू टिक मार्क कैसे किया जाता है। तो उसके लिए मैं अभी हम प्रोसेस में आपको पूरा बता दूंगा। कहते हैं मेरा मोबाइल स्क्रीन ऑन हो चुका है, मैं उसी टॉपिक पे अभी बात करने वाला हूँ। तो आइए मैं हम देखते हैं। तो ये जो मेरा प्रोफाइल है, तो मैं यहाँ पे इस पे जाऊँ, नहीं इस पे नहीं जा रहा हूँ। तो मुझे अभी इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है, आपका इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। तो मेरा होम पेज जो ऐसा दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ एक सेलेक्ट किसी का नाम, जैसे कि यहाँ पे दिखिए, जैसे कि यूट्यूब क्रिएटर्स, यूट्यूब इंडिया, हाँ बेंगलुरु एफसी, जैसे कि ये दिशा पटानी, जैसे कि ये बहुत लोग है। तो बहुत लोग में से मैं आपको मस्त सेलिब्रिटी एक सर्च करता हूँ। हाँ सेलिब्रिटी सी ऑल अकाउंट, तो यहाँ पे देख दीजिएगा सभी का ऊपर जो है ब्लू टिक मार्क है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, हाँ ये जो पूरा ब्लू टिक मार्क है। तो ये ब्लू टिक मार्क जो कि उसका बिजनेस अकाउंट हो, जो भी हो, वो वेरीफाइड कर चुके हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये होता है जो कि उसका अकाउंट जो वेरीफाइड हो चुका है। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ क्या क्या लगता है मैं अभी इसको आपको बताने वाला हूँ। और देखिए, तो ऐसे जो कि मेरा अकाउंट देखिए आपको वेरीफाइड नहीं हुआ है, तो मैं भी आप ही के साथ साथ अभी तो मैं उसको रिक्वेस्ट ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो मेरा प्रोफाइल है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जाना है, साइड वाले बटन जो यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप सेटिंग देख सकते हैं, यहाँ पे भी नहीं जाके आप नीचे जो आपका लोगो से आपका जो फोटो से यहाँ पे इसको आप क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद एक मिनट, हाँ ओ जो कि मेरा प्रोफाइल ऑलरेडी ओपन हो चुका है, हाँ तो आपको इधर में क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए आपको फास्ट ऑप्शन में मिल जाएगा सेटिंग्स, आपको सेटिंग्स मिल जाएगा, तो सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको दिखिएगा क्या मिलता है आपको अकाउंट में। आप यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा प्राइवेसी, तो उतना में आपको नहीं जाना है, आपको अकाउंट में जाना है। तो ये देखिए मैं अकाउंट, मैं अपने अकाउंट में चला गया। तो यहाँ पे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, योर एक्टिविटी, सेवेड, क्लोज फ्रेंड, अकाउंट स्टेटस, जो कि लैंग्वेज, कैप्शन, ब्राउजर सेटिंग, सेंसिटिव कॉन्टेंट कंट्रोल, कॉन्टेक्ट शेयरिंग। तो मुझे यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है सबसे नीचे जो कि रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन, हाँ तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर देखिए जो कि अप्लाई फॉर इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन, अप्लाई फॉर इंस्टाग्राम वेरिफिकेशन, वेरीफाइड अकाउंट हैव ब्लू चेक मार्क। ये जो मैं आपको बताया जो ब्लू चेक मार्क जो कि कोई बड़ा आदमी के लिए नहीं होता है, जो वेरीफाई अकाउंट होता है उसके लिए वो ब्लू चेक मार्क होते हैं। नेक्स्ट टू देयर नेम्स टू शो दैट इंस्टाग्राम हैज कॉन्फर्म देयर द रियल प्रेजेंस ऑफ द पब्लिक फिगर सेलिब्रिटी एंड ब्रांड द रिप्रेजेंट, जो कि आपको फॉलोअर्स ज़्यादा होना है, आपको डेली पोस्ट डालना है और इंस्टाग्राम में एक्टिविटी रहना है, जो कि ब्रांड प्रमोट या कुछ सोशल वर्कर कुछ रहेंगे तो आपका जो इसको प्रोफाइल जो चेकमार्क होने वेरीफाइड होने का जो चांसेस ज़्यादा रहता है, जो कि 70-80% हो जाता है। नॉर्मल लोग को वेरिफिकेशन जो कि ज़्यादातर फेल हो जाता है,
तो इसलिए यहाँ पे देखिए मेरा जो यूजर नेम है, तो यूजर नेम इज रंजन साहब 46 है। आप मेरा इंस्टाग्राम में नहीं गए तो इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कीजिएगा, डेली स्टेटस डालता हूँ और आप स्टोरी डालता हूँ, ऐसे ऐसे नया ट्रिक का बारे में मैं इंस्टाग्राम में भी शेयर करता हूँ। जो कि यहाँ पे फुल नेम, जो कि मेरा नाम जो आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में है वही नाम डालना है आपको, रंजन, मेरा नाम रंजन साहा, जो कि डाल डॉक्यूमेंट टाइप, जैसे कि यहाँ पे आ चुका है ड्राइविंग लाइसेंस, आपको ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, पासपोर्ट, पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट डाल सकते हैं, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड जैसे कि हमारा इंडिया में हो गया आधार कार्ड प्लस वोटर आईडी, पैन कार्ड, रेशन कार्ड, हाँ प्लस गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जो भी है, हाँ रिसेंट यूनिटी बिल आर्टिकल एंड इनकॉर्पोरेशन, तो ये सब जो कि आपको ऑप्शन है। तो हम मेरा जो कि मेरा पासपोर्ट मैं अभी तक बनाया नहीं हूँ, अप्लाई कर चुका हूँ, आया नहीं है, तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस में क्लिक करता हूँ। तो ड्राइविंग लाइसेंस में क्लिक करने के बाद देखिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करने वाले हैं तो उसमें आपको यहाँ पे सिलेक्ट फाइल, जो कि आपको फोटो से रहना है या फोटो क्लिक करना है, जैसे कि चूज फाइल, तो यहाँ पे टेक फोटो कैन ओपन कैन ए फोटो ओपन ए फोटो, तो मुझे ओपन ए फोटो क्योंकि मैं ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो ले रखा हूँ, तो मुझे मेरा यहाँ पे आ चुका है जो कि मेरा ये देखिए ड्राइविंग लाइसेंस का फोटोस है, तो मैं इसको ओ कर दिया हूँ। और स्टेप कैटेगरीज, तो मैं क्या कैटेगरीज का हूँ, तो मेरा जो कि आप क्या है न्यूज़ मीडिया से, तो आप न्यूज़ मीडिया डाल सकते हैं, स्पोर्ट्स कुछ गेम्स खेलते हैं ये सब करते हैं, तो पब्लिक फिगर है तो आप ये डाल सकते हैं। हाँ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हैं आप, पॉलिटिक्स के लिए कुछ काम करते हैं तो वो डाल सकते हैं। म्यूज़िक, आप म्यूज़िक सिस्टम सिंगर्स कुछ कर सकते हैं। फैशन, आप कुछ फैशनेबल मॉडलिंग कुछ कर रहे हैं तो फैशन डाल सकते हैं। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट जो कि आप कुछ वीडियोस ब्लॉगिंग ये सब एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ शो प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो भी डाल सकते हैं। डिजिटल क्रिएटर ब्लॉगर, हाँ जो कि ये है जो कि आप ब्लॉगिंग करते हैं वेबसाइट, वो वेबसाइट में जो कि ब्लॉग्स होते हो पोस्ट करते हो तो उसके लिए डाल सकते हैं। गेमर, जो कि हमारे में अभी यूट्यूब में सब में बहुत सारे गेम्स जो कि लाइव वीडियोस होते हैं गेम खेलते हैं, तो कुछ अलग अलग जो ऑनलाइन है ऑफलाइन जो कि बहुत सारा है, तो उनके लिए आप उनको ग्लोबल बिजनेस ब्रांड एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ग्लोबल बिजनेस ब्रांड जैसे कि आपका जो कंपनी नेम है उसका अंडर में जो आप प्रोफाइल है तो वो अगर उसको अगर आपको वेरीफाइड करना है तो वो आप डाल सकते हैं, जैसे कि बहुत सारा है NDTV ऐसे नॉर्मल जो कि बड़ा बड़ा ब्रांड है डाबर कोलगेट ये सब ब्रिटानिया ये सब का जो है, तो ये सब का आप डाल सकते हैं। हाँ आदर्श, आपको अगर इसमें से कुछ भी नहीं तो आप आदर्श डाल सकते हैं, तो मेरा इसमें से डिजिटल क्रिएटर एंड ब्लॉगर है तो मैं इसको डाल दूँ, तो यहाँ पे हो गया। कंट्री आपको कौन सा है, अफगानिस्तान होगा नहीं, इंडिया ही होगा आपको सब्सोल्यूटली, तो आप इंडिया डाल देना है। यहाँ पे देखिए ब्रिटिश इंडिया इंडोनेशिया, यहाँ डालने से ब्रिटिश इंडिया नहीं डालना है आपको, इंडिया डालना है, तो इंडिया डालने के बाद ऑडियंस, इसमें आप लिखेंगे कि आपको ऑडियंस क्यों लाइक करेंगे। डिस्क्राइब द पीपल हु फ्लो योर अकाउंट, हाँ मतलब आपको जो फ्लो करेगा अकाउंट, इंक्लूडिंग हु दे आर व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन व्हाई दे फ्लो यू, मतलब आपको जो फ्लो कर चुका है या जो फ्यूचर में फ्लो करेंगे वो क्यों करेंगे आपको फ्लो, और आप में ऐसा क्या इंटरेस्ट है जो वो फ्लो करके आपका पोस्ट देखेंगे, तो वो आपको यहाँ पे जो कि आपको बताना है क्या रीज़न है, तो यहाँ पे हम आपको जो है आपका जो प्रोफेशनल है जो वहाँ पे आप डाल सकते हैं। ऑल्सो नोज, हाँ मतलब लिस्ट ऑफ नेम ऑफ द पर्सन ओरिजिनेशन योर अकाउंट रिप्रेजेंट इज नो बाय द इंक्लूड डिफरेंट नेम इन द सेम नेम इन अदर लैंग्वेज, आपको यहाँ पे यहाँ का मतलब है कि जो आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहे हो आपको कंट्री में जो अकाउंट में नेम है वो अलग है, आपका जो गांव में या कुछ ब्रांड का नाम अलग है, या कुछ डिफाइंस लैंग्वेज में है जो कि इंग्लिश, यहाँ पे तो इंग्लिश में नेम है वो आपको हिंदी में आ सकता है, मलयालम बंगाली तमिल भोजपुरी आसामी सभी में आ सकता है, तो उसमें जो कि आपका लैंग्वेज में आपका भाषा में यहाँ पे लिख सकते हैं क्या है। ए लिंक ऑप्शन है, एड आर्टिकल सोशल मीडिया अकाउंट एंड अदर लिंक्स दे शो योर अकाउंट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट पेड और प्रमोशन कॉन्टेंट वेन नॉट बी कॉन्सिडर्ड, हाँ मतलब यहाँ पे जो कि आप लिंक डाल देंगे, जैसे कि आप कुछ पब्लिक प्रमोशन जैसे कि आप कुछ यूट्यूब चैनल्स होगा आपको तो यूट्यूब डाल देंगे, यूट्यूब का चैनल का लिंक डाल देंगे, आपको कुछ पर्सनल ब्लॉगिंग कर रहे हो वेबसाइट कर रहे हो तो वेबसाइट का चैनल डाल देंगे, तो जो जो आपका जो कि फ्लोइंग है फैन पेज है आपको फ्लो करने वाला है आपका ब्रांड एम्बेसडर है तो यहाँ पे आप उसका लिंक डाल सकते हैं, जो कि लिंक 1, 2, 3 जो तीन लिंक है, जो कि इसके बाद आपको आपको अगर एक्स्ट्रा लिंक भी है और भी कुछ बिजनेस कर रहे हैं या कुछ अलग से आपका प्राइवेसी जो, जो जो आप चाहते हैं कि फैन आके देखे आपको तो आप यहाँ पे ऐड लिंक करके वहाँ पे भी डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है, तो उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। हाँ
तो यहाँ पे देखिए मैं सबमिट कर चुका हूँ। हाँ देखिए रिक्वेस्ट सबमिटेड, जो कि ये ऑप्शन आ रहा है रिक्वेस्ट सबमिटेड, योर रिक्वेस्ट वेरीफाई दिस अकाउंट करंटली अंडर रिव्यू, यू कैन एक्सेप्ट ए रेस्पॉन्स विद इन 30 डेज। मतलब आपको 30 दिन का अंदर कोई मेल आएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन आके आपको बताएगा कि क्या हुआ है आपको। मैं भी अभी क्या हूँ, बिफोर थोड़ा पहले मैं क्या हूँ, पहले भी किया था और अभी भी आपके सामने किया हूँ, 2 बार रिक्वेस्ट दिया हूँ, जो कि मुझे मेल आएगा तो मैं आपको श्योरली बताऊँगा एक कम्युनिटी पोस्ट डाल के। और आपको ये ऐसा ही आपको पूरा प्रोसेस फ्लो करके जाना हाँ जी, है। इसके बाद जो आपको रिजल्ट आएगा तो आप बता सकते हैं कि आपको अगर पूरा करेक्टली आप डॉक्यूमेंट और लिंक जो कि परफेक्टली आपको एलिजिबल है, आप उसका जो कंटेंट है उसका जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसके अंडर में आप एलिजिबल हैं तो आपको श्योरली वो वेरीफाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में मैं नेक्स्ट वीडियोस भी बनाने वाला हूँ जो कि आप इंस्टाग्राम से पैसा कैसे अर्निंग करें। इंस्टाग्राम में बहुत सारा लोग को बहुत सारा फॉलोअर्स होते हैं तो उसे पैसा आप कैसे इंस्टा अर्निंग करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस से वही बताने वाला हूँ। तो आप फिलहाल आप सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और लव्स तो दीजिएगा, आपको हेल्पफुल है तो एक कॉमेंट डाल दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके अगर नोटिफिकेशन बटन को क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको आते ही पता चल जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम से भी आप पैसा कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं उसके उसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मैं उसी पे और कुछ बात करूंगा और आप इस वीडियो का नीचे जितना कॉमेंट डालेंगे उतना ही अच्छा होगा, वही रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करूंगा। तो आपका ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कॉमेंट डालेंगे, कैसे करेंगे और क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो थैंक यू, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा।